हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दबंग अंजलि व्लॉग्स। आप सबको मेरा प्रणाम। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने इस वीडियो के ज़रिए। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना आप, क्योंकि एंड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। उसको मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, उसको वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हाल ही फिलहाल में मैंने कुछ टाइम पहले ही मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी, तो बारी बारी से मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें शेयर इसका क्या म्यूजिक है। पहली बार मैंने लाइफ में इतना चीज़ ऑर्डर किया है, खुद के लिए कह सकती हूँ मैं। कुछ पैसे मैंने सेव कर रखे, तो उन्हीं सेविंग मनी से मैंने इतनी सारी चीज़ें अपने लिए ऑर्डर की है, और मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर की है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर की है, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। अब तो दिखाती हूँ, ये देखो मंजिल बन गई है। इन सब बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक एक करके। तो पहला मैं अपना बॉक्स खोलती हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ परफ्यूम है, ये मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया था, मुझे परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है उस टाइप का। तो ये जैसा मैंने सोचा था वैसे तो इसकी खुशबू है नहीं, बट ये है काम तो चल जाएगा मेरा, पर ठीक है, कभी मन किया तो लगा लूँगी, और लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बैठी हूँ ना तो चुभ रहा है मुझे ये यहाँ पे। ओके, क्या ऑर्डर किया है, तो ये एक चश्मा है वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट है ये, बट ठीक है, मैं बहुत देख रही थी ये चश्मा, पता नहीं इसमें मैं साइंटिस्ट टाइप की लग रही हूँ या ये मैंने ऐसे ले लिया। इसके साथ फ्री ये मुझे नहीं लेना था, मुझे कैप लेना था, तो कैप के साथ ये फ्री मिल रहा था तो मैंने सोचा ले लेते हैं, क्या पता कभी मन किया लगाने का धूप वगैरह हो। तो अभी मैंने जूड़ा किया है तो इस वजह से नहीं, बट ये अच्छा था, ये मुझे पसंद आया, ठीक था। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये एक पैंट है, ठीक है, और ये बिल्कुल हाई वेस्ट होता है ना, ये है हाई वेस्ट पैंट है, मेरे साइज़ का है, बट मुझे थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा। मैंने ये 26 करके लिया था, तब भी मेरे को नहीं हो रहा है, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पतलेपन की कितनी हद हो चुकी है। तो ऐसा हो तो जा रहा है, ऐसी बात नहीं हो रहा है, लेकिन ये है यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा और फिट हो जाएगा ना तो ये मुझे बढ़िया होने लगेगा। मैं जब भी ये पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। इसको मैं ना बैग में भरते जा रही हूँ, फिर मुझे वापस नीचे लेकर जाना है, इसी वजह से मैं घर में वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ना घर है हमारा प्यारा सा छोटा सा, यही एक एरिया मिलता है ये सीढ़ी वाला, जहाँ पे मैं थोड़ा शांति से आराम से वीडियोस में बना सकती हूँ, तो इसी वजह से मुझे छत पे आना पड़ता है सारा अपना तामझाम लेकर। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो अगला मैंने ऑर्डर किया है क्या है, हाँ तो ये क्या है, ये है तागड़ी, तागड़ी कहते हैं ना कमरबंद जो भी है, ये मैंने ऑर्डर किया है ऐसा, मैं मतलब ये मैंने ऐसा ऑर्डर किया है ताकि मैं इसे साड़ी पे भी पहन सकूं और जींस वगैरह पे भी पहन सकूं वीडियोस बनाने के लिए। ये जैसा मुझे दिखा था वैसा ही है, ये जैसे कि इस टाइप का ना थोड़ा सा स्टाइलिश लुक में भी इसको हम कैरी वियर कर सकते हैं, जींस पर भी वियर कर सकते हैं। तो देखूंगी मैं इन सब प्रोडक्ट का लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगी आपको। तो ये है स्लीपर, ऐसा सिंपल सा, तो ये मैंने खुद के लिए नहीं किया है, ये मम्मी के लिए है, मम्मी ने खुद ही इसको पसंद किया तो मम्मी। और ये अगला है, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने रूम फ्रेशनर ऑर्डर किया है, ये रूम फ्रेशनर है, और मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब ये आया था ना तो मैं इसको ऐसे खोले जा रही हूँ कि ऐसे खुलता है ये, इसको ट्राई करते करते मेरे से ना ऐसे क्लिक हो गया यहाँ से, तो स्प्रे हुआ, मैंने कहा अच्छा तो ये ऐसे यूज होता है, अब तो हो ही नहीं रहे। म्यूजिक परफ्यूम से ज्यादा तो ये अच्छा लग रहा है, ये काफी अच्छे से आया था,
बताओ ऐसे खुलता है, मैं कैसे खोल रही हूँ। ब्लैक कलर में मैंने लिया है, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। तो ये इस टाइप का, इस डिज़ाइन में ये आता है। हाई वेस्ट वाला जो पैंट अभी दिखाया था उस पर भी ये पहन सकती हूँ मैं। नेक्स्ट देखती हूँ। हाँ तो ये मैंने ऑर्डर किया था, दो स्लीपर ऑर्डर किया है मैंने ऐसी रेगुलर पहनने के लिए। तो दो मैंने ऑर्डर किया, अगेन एक मम्मी के लिए और एक मैंने खुद के लिए। ऐसा नहीं था कि कौन सा मम्मी पहनेगी कौन सा मैं पहनूंगी, पर हाँ मम्मी ने ही चूज़ किया। मम्मी ने कहा कि अच्छा लग रहा है, ये दोनों का कॉम्बो था तो इस वजह से मैंने ये लिया। और घर पे ही रेगुलर पहनने के लिए अच्छा है। वापस जो जो मैंने दिखा दिया है आपको वो मैं रख देती हूँ क्योंकि मुझे वापस लेके जाना है। तो फिर बड़ा बॉक्स में आया है, इसमें मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक कुछ लाइट वगैरह से रिलेटेड है, वीडियोस वगैरह में देखे होंगे तो मैंने भी मंगा लिया। काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रही थी इसको मंगाने का और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। ये नॉर्मली फेस वॉश है, ये मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया है। बैकग्राउंड के लिए मैंने एक ब्लैक पर्दा जो है ऑर्डर किया है। इसका लेंथ बहुत ही लंबा है तो यही है, बट इसकी चौड़ाई जो है ना वो मुझे लग रही है कम है। तो कम है तो इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, वीडियो ही तो बनाना है ना। आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें तो मैंने ले ली है बट यूज़ कैसे करूँगी, मैं यहाँ पे कैसे पर्दा लगाऊंगी, सोच रखा है मैंने, आपको बताऊंगी। इसलिए कहती हूँ आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहो, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी कुछ कुछ चीज़ें। दो साल से मैं जो पर्दा मैंने अभी आपको ब्लैक कलर का दिखाया, तो ये मैं दो साल से सोच रही थी कि मेरे पास भी ऐसा बैकग्राउंड होता और वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। ये जो भी चीज़ें ली है मैंने सब वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाती है, इस फील्ड में नहीं होती तो एकदम दिल से बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं इसमें से कुछ भी नहीं परचेज करती। मुझे बस बनाना है वीडियो तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती है ताकि मैं थोड़ा सा निखार अच्छे से थोड़ा वीडियोस वगैरह बना सकूँ। और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो ज़बरदस्ती नहीं, ये सब चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में जॉब करती थी वो तो मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस इतनी सारी चीज़ें मैंने आज शेयर की है। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी इसको वापस नीचे लेके जाना है घर। तो अगर आप लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और अगर आप मेरी इंस्टा आईडी नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंजलि पांडे 149। मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम की रील्स देख सकते हो। तो मैं एक्सप्रेशन वीडियोज़ बनाती हूँ, दबंग अंजलि चैनल पे डांस वीडियोस बनाती हूँ, उन सब चीज़ों के लिए मैंने शॉपिंग की है डांस के लिए ही दबंग अंजलि ब्लॉग्स पे। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। ओके बाय गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ विद दबंग अंजलि ब्लॉग्स। एंड जिस तरीके से आप लोग मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करते हो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर भी आ जाओ और यहाँ पे मुझे सपोर्ट करो। आई नो आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही पसंद आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें मैं अपग्रेड करूँगी, वो समय के साथ तो होता ही रहता है। अभी मैं वीडियो में एंड करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी।